सिंपल सी दिखने वाली डिंपल यादव आज राजनीति की वो हस्ती बन चुकी हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक घराने से अलग अपनी खुद की एक पहचान गढ़ी है। ये समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। डिंपल यादव की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि ये राजनीति के मैदान में कई बार अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं। डिंपल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं और इनके पिता सेना में कर्नल रह चुके हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात डिंपल से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तब अखिलेश 21 बरस के तो डिंपल महज 17 साल की थी। आगे चलकर दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो बात शादी तक पहुंची। कहा जाता है कि मुलायम सिंह शुरू शुरू में राजपूत परिवार से आने वाली डिंपल का विवाह अखिलेश यादव से करवाने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों परिवार राजी भी हुए और दोनों की शादी भी हुई। साल 1999 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। अखिलेश यादव से विवाह के बाद वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक घराने की बड़ी बहू बनी, लिहाजा शुरू से ही इस बात की चर्चा भी रही और ये सवाल भी उठते रहे कि क्या डिंपल यादव भी अपने पति और ससुर की तरह सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं। हालांकि ऐसे सवालों पर डिंपल यादव ने शुरू शुरू में चुप्पी ही साधे रखी। इस पर वो तब तक कभी खुलकर बोली भी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव से शादी के लगभग 10 सालों के बाद वो वक्त भी आया जब डिंपल यादव ने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। यही वो साल था जब डिंपल यादव सक्रिय राजनीति में उतरी। लेकिन राजनीति में उनके डेब्यू का अनुभव इनके लिए कड़वी यादें बन गया, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव ने साल 2009 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से फिल्म अभिनेता से नेता बने राज बब्बर के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंका था। हालांकि उस चुनाव में राज बब्बर ने डिंपल यादव को बड़े अंतर से हरा दिया, लेकिन उस हार से भी डिंपल यादव के हौसले पस्त नहीं हुए और उसके बाद वो फिर जल्दी ही चुनावी मैदान में लौटी। इसके बाद उन्होंने साल 2012 के कन्नौज से उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया, जिसमें उन्हें पहली चुनावी सफलता हासिल हुई। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में जब जबरदस्त मोदी लहर महसूस की जा रही थी, उस समय भी उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से ही नामांकन दाखिल किया। डिंपल यादव जबरदस्त मोदी लहर के बीच भी अपनी सीट निकाल पाने में सफल रही और संसद पहुंची। लेकिन इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। डिंपल यादव राजनीति के मैदान में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं, जिनका अपना प्रभाव और अपनी साख भी है। हालांकि राजनीति में उन्हें लंबा तजुर्बा नहीं है, लेकिन ससुर दिवंगत मुलायम सिंह यादव और पति अखिलेश यादव के बीच रहकर इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा और आजमाया भी। ये अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की विरासत को संभाल रही हैं। मैनपुरी से लोकसभा सीट को बचाने और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास किया, जिस पर अब उन्हें खरा उतर कर दिखाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।